हेलो दोस्तों दोस्तों जैसा कि कमेंट आया था बेरिंग का ओडी और आईडी कैलकुलेशन, तो बेरिंग का ओडी एंड आईडी, आईडी तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन ओडी कितना दूर तक पॉसिबल है इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे, बारीकी से समझेंगे कि क्या बेरिंग के नंबर से ओडी निकल सकता है या नहीं, या फिर केवल आईडी तक निकल सकता है। इसी को आज हम लोग बारीकी से समझेंगे कि क्या कैसे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों अब जैसा कि सपोज हम लोग कोई एक बेरिंग का नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 6200, ठीक है, ये हम लोग का बेरिंग का नंबर है। अब इससे क्या आईडी निकल सकता है और क्या ओडी निकल सकता है इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट में अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का आईडी निकल जाता है, तो क्या ये सही है? अब देखिए, जैसे कि बेरिंग का नंबर क्या है 6200, इसमें क्या 5 मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 2 डिजिट से तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका बेरिंग का जो आईडी होगा वो होगा 10 mm। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 00 है, 10 mm कहां से आया, तो ये मैं बताऊंगा आपको। अब क्या है, फर्स्ट डिजिट क्या है 62, तो इसमें जो है ना ये 6 और 2 जो है ये क्या है, सीरीज कोड है, बेरिंग का सीरीज कोड है, बेरिंग का ग्रेड तय किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे यहां पर 6200 जो बेरिंग है ना उसका ओडी कितना है, 30 mm है, ठीक है, लेकिन ये आया कहां से, बेरिंग का जो ओडी 30 mm ये कहां से आ गया, इसको भी हम लोग समझेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यूट्यूब में बहुत से वीडियोज ऐसे आए हैं बेरिंग को लेकर के, मैं देखा हूं ओडी को लेकर के केवल घुमाया जाता है, तो इस जगह मैं क्लियर कर दूंगा ओडी को लेकर के। अब क्या है, अगर मैं और एक नंबर ले लूं 6201, इसमें क्या है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 01 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। इसमें जो आईडी होगा वो 12 mm होगा और फर्स्ट का 2 डिजिट जैसा कि आप लोग को पता है वो बेरिंग का सीरीज कोड है, तो बेरिंग का ओडी कहां से आएगा। और एक नंबर मैं ले लेता हूं 6202, तो इसमें क्या लास्ट का 2 डिजिट में मल्टीप्लाई होगा 5? नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जिसके भी लास्ट में, जो भी बेरिंग नंबर के लास्ट में 00, 01, 02 और 03, ये 4 ऐसा बेरिंग नंबर का लास्ट में डिजिट में अगर 00, 01, 02, 03, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला कहां लगेगा, जो भी बेरिंग नंबर में लास्ट में 04 से स्टार्ट हो या उसके बाद वाले अंक में, उसमें हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम लोग आईडी इंटू 5 सॉरी लास्ट 2 डिजिट इंटू 5 कर देंगे तो हम लोग का आईडी आ जाएगा। अब बात करते हैं ओडी का, तो यहां पर देखिए अगर हम लोग 6200 का आईडी देखते हैं तो 10 mm आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई और नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड है, याद रखिए 6200 मतलब जो भी लास्ट में 00, 01 और 02 और 03, कोई भी बेरिंग का लास्ट में अगर 00 रहा तो इतना समझ लीजिए कि उस जगह बेरिंग आईडी 10 ही होगा। किसी भी बेरिंग का अगर लास्ट 2 डिजिट 01 रहा तो उसका समझ लीजिए कि उसका जो बेरिंग है वो बेरिंग आईडी 12 mm ही होगा, ठीक है। कोई भी लास्ट का 2 डिजिट अगर 02 रहा तो उस जगह जो आपका बेरिंग आईडी है वो 15 mm होगा, और कोई भी बेरिंग का लास्ट 2 डिजिट अगर 03 है तो उस जगह आपका बेरिंग का आईडी 17 mm होगा। इसको दिमाग में पूरा आपको बैठा लेना है। और किसी भी बेरिंग का लास्ट का 2 डिजिट से अगर 04 से स्टार्ट होता है या 04 है तो उस जगह हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट का 2 डिजिट से कैसे हम लोग का ओडी चेंजेस हो रहा है, लेकिन ओडी का सूत्र नहीं है। जैसे कि 6200 इसका बेरिंग आईडी कितना है, जैसे मैंने बताया 10 mm होगा क्योंकि लास्ट में 00, ठीक है, लेकिन ओडी हम लोग का आ रहा 30 mm। अब 6200, ठीक है, इसमें क्या है, बेरिंग आईडी कितना आ रहा है 10 mm क्योंकि 00, लेकिन फर्स्ट का 2 डिजिट जो है चेंज हो चुका है। देखिए 6200 में क्या था हम लोग का, लास्ट में 00, इधर 62 है, तो बेरिंग का ओडी कितना हो गया 30 mm। अब इधर क्या है, 60 है फर्स्ट का, तो उसमें बेरिंग का ओडी जो है 26 हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट का 2 डिजिट से आप लोग का ओडी चेंजेस हो रहा है, नहीं दोस्तों, अभी तक
ऐसा कोई सूत्र नहीं निकला है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, गूगल में और भी बहुत सी जगह से मैंने सर्च किए हैं, किताबों से देखा है। तो बेरिंग का ओडी के लिए अभी तक ऐसा कोई सूत्र नहीं बना है, बनेगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, इसीलिए किसी तरह के वीडियो के झांसे में ना आए आप लोग। आईडी के लिए सूत्र बन चुका है, लेकिन उस जगह भी आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी लास्ट में 00, 01, 02, 03 ये चार जगह में आप लोग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, 04 से फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दोस्तों ये थे बेरिंग के कुछ नोमेनक्लेचर जो मैंने आप लोगों से साझा किए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो लोग भी कहीं पर ना फंसे। अभी तक इसका कोई सूत्र नहीं बना ओडी के लिए, आईडी के लिए बन चुका है और उस पर भी कुछ नियम एंड शर्त लागू है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कीजिए, न्यू विजिटर जो विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।